दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज टीचर्स डे है, देख रहे हैं सजावट सब देख रहे हैं, ये सब स्टूडेंट सब है। आज टीचर्स डे के सेलिब्रेशन में सब आया हुआ है। आज गर्मी का दिन है, फिर भी देखिए इस समय उत्साह इतना है कि शिक्षक दिवस मनाने के लिए इतना सब सजावट सब कर दिया है। और देखिए ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का ये फोटो है, ये केक है, ये सब काटा जाएगा तो ध्यान देंगे आप लोग। और बच्चों सबसे भी हम कुछ पूछना चाहेंगे, बोलिए आप लोग कुछ। क्या सर, हम आज हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर आज हम लोग केक काटते हैं और उसके साथ हम लोग सर भी आए हुए हैं, मैं भी हैं और मेरा जो भी साथी सब है वो भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में, मैं हूँ सुखदेव कुमार। दोस्तों आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी सारी बधाइयाँ। दोस्तों शिक्षक दिवस हम प्रतिवर्ष जो है 5 सितंबर के दिन मनाते हैं, और 5 सितंबर के दिन ही हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं तो इसका रीजन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष हम लोग शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर के दिन मनाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के जो है द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और जब ये राष्ट्रपति बने तो इनके मित्र सगे संबंधी और शिष्य लोग सब जो है इनके पास गए कि सर आज आपका जन्मदिन मनाया जाए। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बोले कि यदि आपको जन्मदिन मनाना ही है तो कुछ ऐसा हो कि खास हो, और जो है हम राष्ट्रपति के नाम से ना जाने जाए, और ऐसा हो कि लोग मुझे शिक्षक के नाम पर जाने और सभी शिक्षकों का सम्मान जिसमें जुड़ा हुआ है तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो उसी दिन से हर वर्ष जो है 5 सितंबर के दिन हम सभी भारतवासी जो है स्टूडेंट हो चाहे जो है टीचर्स हो, सभी जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम शिक्षक के बारे में यानी 2 शब्द बताना चाहेंगे। ऐसे तो शिक्षक के बारे में माने बताना, या शिक्षक कहिए, गुरु कहिए, या टीचर्स कहिए, इनके बारे में बताना सूरज को दिया दिखाने के समान होता है। फिर भी मैं टूटी फूटी भाषा में शिक्षक के बारे में 2 शब्द बोलना चाहूँगा। और ऐसे यानी किसी ने कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सताई श्रद्धा प्रगायुता चया ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। आप सभी शिक्षक वृंद को मेरा दिल से हार्दिक नमस्कार। तो ऐसे गुरु के बारे में 2 शब्द मैं और बोलना चाहूँगा। गुरु जो है जिसका संधि विच्छेद करने पर गु और रू आता है, गु का अर्थ होता है नाश करने वाला। तो आप कहिएगा कि नाश करने वाला गुरु कैसे हो सकते हैं, लेकिन रू का अर्थ होता है अंधकार, अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करके जो ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाए उसी को गुरु कहा गया है। और गुरु का महिमा जो है आज से नहीं, कुछ ऐसे कवि कबीरदास जी हैं वो कहते हैं गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाए बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए। वो उनका कहना है कि गुरु और गोविंद यानी ईश्वर यदि सामने आ जाए तो सबसे पहले हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उस गोविंद उस ईश्वर से मिलने का रास्ता गुरु ही बताते हैं। तो और हम गुरुओं को भी कहेंगे कि छात्रों के प्रति ऐसा भाव रखें। और कहा गया है, एक गुरु का कहना है कि लाओ तेरे लाल को मैं इंसान बना दूं, दुनिया जितना पूजे उससे महान बना दूं। तो कहने का तात्पर्य है हमें गुरु को भी अच्छा भाव रखना चाहिए, और जो है छात्र लोग को भी जो है अच्छे भाव रखना चाहिए। जब तक गुरु शिष्य में क्या है प्रेम नहीं होगा, कभी भी इस देश का विकास नहीं होगा। तो एक गुरु के बारे में एक छोटी सी और भी मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा लड़का था जो सच्चे गुरु की तलाश में था, बड़ा आदमी था वो, मैंने बड़ा आदमी लड़का तो छोटा नहीं था, उम्र उसकी छोटी थी लेकिन जानकारी उसके पास बहुत था। तो वह क्या है सच्चे गुरु की तलाश में था, वह जो भी सवाल करता था उसका कोई भी जवाब जल्दी नहीं दे पाता था। तो उसको एक खाने में क्या है माने गुरु का खाना था, दूसरा में शिष्य का खाना था। तो
तो उन्होंने क्या किया, जो जवाब उसका नहीं देता था उसको चेला वाला ने शिष्य वाला खाना में रख देता था। तो धीरे 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 इस तरह से देखे तो गुरु का जो है ना संख्या जो है घटता गया और शिष्य का जो है क्या है बहुत सा जो है संख्या बढ़ते गया। तो वो आदमी सोचा कि अब तो संतुलन ही बिगड़ रहा है, क्योंकि गुरु अच्छे गुरु की तलाश में था, अच्छा गुरु मिल नहीं रहा था, शिष्य इतना होगा तो यह कैसे हो देश चलेगा, कैसे यह दुनिया चलेगी, सब अशिक्षित हो जाएंगे। तो इस पर जो है एक छोटा सा लड़का उसी जगह पर खेल रहा था, कह रहा था कि आप जो है क्या है सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, या आप मेरे सवाल का भी एक जवाब दीजिए। वह छोटा सा लड़का देखिए बात कितना बड़ा करता है, उस आदमी को वह ले जाता है कहाँ कम अंधेरे कमरा में और उससे पूछता है कि बताइए क्या आपको कुछ दिखाई देती है। तो वो भी हंसते हुए आदमी जवाब दिया कि यार कैसे दिखाई देगा अंधेरा में, अंधेरा में कोई चीज़ तो दिखाई देती नहीं है। तो उन लड़का जो बड़ा तेज था, छोटा लड़का जो था बहुत तेज था, वो मोमबत्ती लेके गया था, वो मोमबत्ती को क्या किया जला दिया, जला दिया और फिर उस आदमी से पूछा कि क्या आपको दिखाई देती है। तो इस पर वो हंसते हुए कहा कि अब क्यों नहीं दिखाई देगी, क्योंकि अब तो रोशनी है, प्रकाश है और प्रकाश में तो हर कुछ दिखाई देती है। तो वह छोटा लड़का था छोटा लेकिन अकल बहुत बड़ा था उसका। वह कहा कि बताइए आपको जब प्रकाश के माध्यम से दिखाई दिया है तो यह प्रकाश आया कहाँ से है। तो वह उस आदमी ने जवाब दिया कि यह प्रकाश जो है मोमबत्ती से आया है। तो मोमबत्ती से आया है तो वह लड़का फिर हंसने लगा, छोटा लड़का था, कि मोमबत्ती से आया है तो आप सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, उस समय से अब बेवकूफ़ी आपका नहीं चलेगा, मोमबत्ती से आया है। तो बताइए, वो फिर मोमबत्ती को क्या कहता है, बुझा देता है, कहता है कि बताओ प्रकाश कहाँ चला गया। इस पर जो है वह व्यक्ति जो गुरु का तलाश में था वह जवाब नहीं दे पाता है। तो दोस्तों जो है ज्ञान जो है अदृश्य वस्तु होता है और उसे अनुभव किया जा सकता है, न कि उसको जो है दिखाया जा सकता है, तो दिखाने के लिए नहीं है। तो छोटा बच्चा से हमें यही सीख मिलती है कि ज्ञान जो होता है ना कोई सांसारिक वस्तु नहीं है कि उसे हम दिखा देंगे, यह अदृश्य वस्तु जो है छिपाया। और विद्या के विषय में कहा गया है विद्या नाम रहस्य रूपम अधिकम प्रसन्न गुप्त धनम, विद्या भोगकारी यशा सुखकारी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या विभिन्न साक्षात पशु। विद्या जो होता है, विद्या जो है मनुष्य के शरीर में रहने वाला अत्यंत सुरक्षित और गुप्त धन है। विद्या जो है भोग कराने वाली है, यश देने वाली है, सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु है, देवताओं का देवता है, और इसलिए कहा गया है और विद्या से विहीन मनुष्य जो होता है साक्षात पशु से के समान होता है। इसलिए अच्छी विद्या सच्ची विद्या हमें अच्छे गुरुओं से मिल सकती है। और गुरु के बारे में कहा गया है गुरु माता होते हैं, गुरु पिता होते हैं, गुरु सर्व देवता होते हैं, और गुरु दुनिया में जितने भी हैं सबका भाग्य विधाता भी गुरु होते हैं, और गुरु जो है राष्ट्र निर्माता होता है। तो हम सभी गुरुओं से मन हृदय से दिल से अपील करना चाहेंगे कि छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करें। गुरु तो ऐसे होते हैं कि वे चाह ले तो मुरझाई हुई लता भी फिर से हरी हो सकती है, और माने और जो हरा भरा है उसको तो और भी हरा बनाया जा सकता है। और गुरु जो होते हैं एक कुम्हार के समान होते हैं। जिस प्रकार एक कुम्हार जो होता है वह क्या करता है कि मिट्टी में जो अवगुण पाया जाता है, जो कंकर पत्थर होता है, उसको निकालकर सुंदर सुंदर बर्तन बना लेता है। उसी प्रकार गुरु सच्चे गुरु वो होते हैं जो विद्यार्थी से छात्रों से के अंदर जो अवगुण होता है उस छोटे छोटे कंकर रूपी अवगुण को हटाकर उसे महान बना देते हैं। इसलिए हमें गुरु के प्रति सच्ची भाव रखना चाहिए, और छात्रों से हम एक गुरु के नाते निवेदन करना चाहेंगे कि गुरु के प्रति हमें सच्ची श्रद्धा रखना चाहिए। कहा गया है ज्ञानम किम लभते, ज्ञान कौन प्राप्त करता है, तो जो श्रद्धावान होते हैं वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। और तो गुरु के विषय में मैं टूटी फूटी भाषा में जो आपको बताया हूँ शायद आपको अच्छा लगा होगा, और आज तो खुशी का माहौल है, देख रहे हैं कि बच्चे लोग भी उत्साहित हैं, इतनी गर्मी में इतना सजावट करके इतना अथी करके देख रहे हैं, फिर भी जो है शिक्षक दिवस को वे बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो आज जो है इसी खुशी में केक वगैरह जो है काटने का काम होगा। तो चलिए हम अब क्या करेंगे, केक काटने का काम शुरू करते हैं। तो केक काटने से पहले एक स्टूडेंट है नवीन कुमार, वो जो गुरु के शब्द में दो शब्द बोलना चाहेंगे, तो सुनिए आप लोग। दोस्तों गुरु के शब्द में बताना, गुरु के बारे में कुछ बताना सूर्य को दीपक जलाने के बराबर है। सर अभी बताए हैं आपको एक दोहा, गुरु गोविंद दोऊं खरे काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आप है जो गोविंद दियो बताएं। अर्थात गुरु वह है
जो हमें गोविंद से दर्शन करा देते हैं। अगर सच्चे हृदय से गुरु का अगर सेवा किया जाए तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। और उसका साक्षात उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हम खुद हैं। हम खुद पढ़ाई लिखाई छोड़ के सिलाई का काम करने का काम करते थे, बल्कि मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट था, सब अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, परंतु हम सर के साथ लगातार रहे हैं। लगातार इनके साथ जो भी मेरा भावना था वो तो मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा भावना अच्छा था या खराब था, परंतु उसी भावना का देन है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो ही दो बच्चा हमसे पढ़ता है और गुरु के बारे में बताना, ये साधारण मुख से गुरु के बारे में वर्णन करना के बात नहीं है, परंतु ये हम बताना चाहते हैं कि गुरु हमेशा हमें बुराइयों के मार्ग से बचाकर अच्छाई के मार्ग की ओर हमें प्रेरित करते हैं। और छात्र को भी गुरु के प्रति पूरे समर्पण भाव से अपना जो जीवन है अपने गुरु के हाथों में समर्पित कर देना चाहिए। यहाँ पे छल कपट जो है वो नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो गुरु है, रामचरितमानस में गुरु के बारे में लिखा गया है, माता पिता गुरु के बाणी बिनई बुझई करई शुभ जानी। अर्थात माता पिता और गुरु के बारे में अगर कुछ आदेश आता है उधर से तो उसमें शुभ और अशुभ वस्तु के बारे में हम नहीं सोचते हैं और उस आदेश को हम आँख मूंद कर पालन करते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है। आप हमारे संस्कृति और सभ्यता में भी देखे हैं कि एक अर्जुन भी था और एक दुर्योधन था, दोनों द्रोणाचार्य के ही शिष्य था, परंतु दोनों का जो योद्धा था, दोनों योद्धा का जो युद्ध लड़ने का जो क्षमता था वो अलग अलग था। अर्जुन को सबसे बड़ा धनुषधर घोषित किया गया, क्योंकि अर्जुन जो था उसका जो प्रेम था वो गुरु के प्रति अलौकिक था, परंतु जो दुर्योधन था उसको शुरू से ही उसके हृदय में द्वेष घृणा और ईर्ष्या अपने भाइयों के प्रति था। इसीलिए कहा गया है गुरु के प्रति सच्चा प्रेम रखिए, सच्चा भाव रखिए और आगे बढ़ने से आपको धरती पर कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ धरती पर तीन ही व्यक्ति है विशेष रूप से जो आपके बारे में सही सोच सकते हैं, एक है माता पिता और एक गुरु। आपका भाई भी बदल सकता है, बहन भी बदल सकती है, परंतु एक गुरु माता और पिता है जो कभी भी नहीं बदल सकते हैं। आप लोग पूरे विश्वास के साथ, अगर जिसको गुरु मानते हैं उस पर पूर्ण विश्वास के साथ और उनसे ज्ञान अर्जन कीजिए। यही बात है, आगे हम लोग केक काटने का काम शुरू करते हैं। काम अब लोग करेंगे, उससे पहले जो है इनको माला पहना देते हैं। इधर उधर देख के ना जी, ठीक है, तो चलिए सब आदमी साथ देंगे हमको। इधर इधर आइए, थोड़ा सा इधर इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर बैठ जाओ, ए प्लीज कर दो, प्लीज पकड़िए ना। आई नो नो ए हां अच्छी बात है। खाइए ना खाइए ना आप लोग, लेके मोमबत्ती हटा दो ना। सब देखिए कैसे मुँह के कर दिया, ये सब नक्शे खराब कर दिया। अरे इतना लगा दिया, अच्छा नहीं लगता देखने में। बच्चे लोग मेरे लिए देखिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए हुए हैं, तो ये करके
और कोई है? हाँ, है अभी। नेहा भी बेड में है। सर, एक ज्योति, सर ज्योति।